दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। सो दोस्तों, मैं प्रिया बुटोला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपना यूट्यूब चैनल प्रियास कवरेज में। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग स्टार्टिंग हो रही है, शाम के 5:30 हुए नहीं है, होने वाले हैं। और आज का मौसम बता देता हूँ, कुछ ऐसा मौसम है गुमसुम वाला, और सुबह तक धूप थी, अभी ऐसा कुछ है। और मिलाती हूँ मैं आपको उस छोटे बच्चों से। हेलो हेलो गाइस, आप क्या कर रहे हो? आज हम प्रिया दीदी के घर में आए हैं। तो दोस्तों, आजकल सुबह से टाइम नहीं हो रहा है ब्लॉग बनाने का, मतलब स्टार्ट करने का, क्योंकि ना सुबह में थी मैं कॉलेज और दिन में घर आई थी, सो गई थी। उसके बाद अभी उठी, तो अभी बोले तो उठ गई थी कुछ देर पहले। उसके बाद नहाई, बर्तन वगैरह धोले और घर के कुछ काम थे वो किए। तो अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और बताती हूँ आपको क्या क्या होता है। और एक मुर्गा तो आपने सुन लिया होगा, उसे कुकड़ू कू जो कि करता रहता है दिन भर। और वीडियो को शायद कंटिन्यू कल तक भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मेरे यहाँ पे कुछ हो रखा है, या कुछ हो नहीं रखा है, मतलब ये पता क्या, मैं आम खा रही थी ना, तो उसका जो ऊपर साइड का पता नहीं क्या ऐसा लग गया यहाँ पे, तो ये पता नहीं कुछ निशान बन गया। तो यहाँ पे है एक पपीता के पेड़, जिस पे कुछ टाइम बाद पपीता लग जाएंगे। हमारे घर में अभी मैकेनिक साहब लगे हैं कुछ फिटिंग का काम करने पे। तो ना हमारे घर की, ये पुराने वाले घर की ना लाइट ख़राब हो गई थी कल, तो कल रात के लिए नीचे के साइड हम खाना बनाते ना, तो वहाँ तो सारंग ने कुछ तूफानी आइडिया करके निकाल दी थी लाइट, बट ऊपर की साइड नहीं थी ना, पता नहीं क्या हो गया कल ऐसी अचानक से ख़राब। तो सारंग अभी लगा है, हमारे छोटे मैकेनिक साहब। यहाँ देखो तो कैसा हो रहा काम? ठीक हो रहा ना, झटके तो नहीं खाए ना करंट के? वहाँ पे से निकाल रखा है। अच्छा, आप खाए तो नहीं ना कभी? नहीं हो जाएगा ठीक? हमको पता है, हाँ, अभी हो जाएगा, कर देगा। हाँ, कर दूंगा। अच्छा, तो ये मैकेनिक साहब यहाँ की फिटिंग कर रहे हैं। वैसे तो हम यहाँ रहते नहीं है, बट फिर भी जरूरी होती है ना लाइट। तो ये हमारे मैकेनिक साहब है, उस तारों को कर रहे हैं। यहाँ की लाइट जाती है यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ। तो घर का छोटा मोटा काम सारंग ही कर देता ना। तो सारंग का काम कैसा लगा? लाइट निकाल देगा सारंग, ऊपर तो बता देंगे हम आपको। आज बिजी बहुत टाइम बाद मुंह धो रहा है। ये तू कर, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, अभी बज रहा है सुबह के 6, तो अभी उड़ गए थे मैं थोड़ी देर पहले, और मम्मी है जो कि अंदर गई। तो बताती हूँ मैं आपको, और मैं जस्ट अभी उठ रही हूँ, मतलब उठ गई। तो दोस्तों, डेली की तरह पहले सुबह सुबह नाश्ता बनाना, घर के काम वगैरह है तो उनको करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है? तो दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है, तो मौसम कुछ ऐसा है, लग रहा है शायद बारिश भी हो सकती है, गुमसुम वाला मौसम है। और ये मम्मी पता नहीं क्या 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 बोल रही है सुबह सुबह मेरे को। कहाँ घर पे तो हूँ, कहाँ जाओ। सुबह होते ही सारंग पता नहीं क्यों लड़ रहा है, और हम यहाँ शायद शुभम भी था इधर साइड से दिखते हैं, ये छुप गया। तो अभी कर रही हूँ मैं नाश्ता, और नाश्ते में बताती हूँ आपको क्या है। तो नाश्ते में रोटी और ये है चिचंडी की सब्जी, शुभम भी खा रहा है यहाँ पे। और ये तो गाइस यहाँ नीचे आ रखी है ताई जी लोगों की गाय, जो कि जाने का नाम नहीं ले रही है, तो पता नहीं ताई जी कहाँ है। और यहाँ नीचे आ रखी है गाय, जिसको कि मैं भगा रही हूँ। तो दोस्तों, अभी आ रखी हूँ मैं अपनी गौशाला पे, और ना यहाँ मम्मी ना कुछ लकड़ियाँ सुखाने के लिए रखी थी इधर साइड, और कुछ उधर भी है, तो उनको ले जाऊँगी मैं घर। और धूप तो काफ़ी हो रही है आज, फिर मिलती हूँ आपसे, पहले लकड़ियाँ उठा देती हूँ।
दोस्तों अभी मैं रूम आपको सीधा, दिन के 12 बजने वाले हैं, बजे नहीं है। तो अभी ना खाना बनाने का टाइम हो गया, तो मैंने गैस में खाना रख दिया है और अभी पीस रही हूँ मैं दाल। मतलब कैसा बनाएंगे आज, तो उसके लिए दाल उड़द वाली, मतलब काली दाल, तो बताती हूँ आपको। तो दोस्तों ये है काली दाल, जैसे कि आप देख सकते हो। और ना इसको मैंने थोड़ी देर पहले धूप पे रख दिया था सुखाने के लिए, ताकि अच्छे से पीसे। तो इसका हम जैसा बनाएंगे, तो पहले पीस लूँगे और मैं इसको ना डेली सिलबट्टे में ही पीसूँ, क्योंकि सिलबट्टे का स्वाद ही अलग होता है सारंग, क्योंकि आज है छुट्टी। हेलो। हाँ, तो सारंग पता नहीं क्या क्या काम करता रहता है दिन भर घर पे। मैंने कुछ नहीं किया। आज क्या किया तूने सुबह से? कुछ नहीं। ये पता हमारे बाजू लाइन में बोल रही थी ना पुराने वाले, इस समय ना यहाँ भी लाइट आ गई, ऊपर वाले कमरे में भी लाइट आ गई, और जो मेरे पीछे है ना ये कमरा आप देख सकते हो, यहाँ मतलब कुछ नहीं रहा था हमारा, खाली ऐसी है पड़ा हुआ। तो पड़ा हुआ बोले तो ऐसे ही सामान है उसमें बस। तो अब ये यहाँ लगा रहा है लाइट, तो ऊपर की बताऊँगी मैं। बताना क्या है, मतलब आ गई ऊपर लाइट, यहाँ उसने परसों की, ऊपर कल शाम को, और यहाँ अंदर अभी लगा है। तो कल हो गई लाइट फिटिंग? हो गई। हो गई? हाँ। बल्ब आ गया? हाँ हाँ, ये देखो ऊपर देखो। हाँ, यहाँ तो आ गए लाइट वाले। हाँ, तो सारंग जो हमारे घर में छोटा मोटा काम रहता है ना, ऐसे लाइट फिटिंग वाला, तो उसका काम सब सारंग करता है। जैसे आज थोड़ी देर पहले ना हमारे बाथरूम का नल मतलब फ्री हो गया था वो, तो उसको तुमने किया है सुबह हमने? सुबह। अच्छा, मतलब सुबह हमने, मतलब मेरे बड़े वाले भाई ना, उसने प्लास्टिक कस कुस के पता नहीं कैसे अब ठीक कर दिया, मतलब पानी निकल रहा नल से। तो फिटिंग वाला काम सारंग करता है ऐसा, मतलब कुछ काम ठीक करता है, ऐसा नहीं है, बट कुछ काम ऐसे रहता है ना, कैसे रहता है, सब तोड़ फोड़। घर में कुछ चीज़ बची नहीं है। ये देखो अभी सच्चाई बोल रही हूँ, घर में कुछ चीज़ सही सलामत नहीं बची हमारी, सब सारंग के कारनामे है। बट कुछ भले काम भी कर देता है कभी कभार, नहाया नहीं है अभी तक, देख सकते हो इसकी वेशभूषा कैसे हो रखी है। ए तो कब नहाएगा तुम बता, पहले कब नहाएगा तभी करूँगी बात। दाल आज हम बनाने वाले हैं चैसा। दीदी आपने तो मिक्सी में कहा था, मिक्सी में पीसने के लिए कहा था। मैंने मिक्सी में पीसूंगी, मैंने तो ये तो बोला सिर बैठे में पीसती हूं। यहां मम्मी भी आ चुकी है घास लेके। बंद करी फिर तो आगे बस आ बंद करी फिर तो पानी जाए। ऐसे ऐसे बिजली फिटिंग वाले काम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ये आता भी है, पूरे लॉनेज है, और कहीं पे करंट खाना है या नहीं खाना है, कौन सा स्विच लगता है, कौन सा बल्ब लगता है, कौन सा होल्डर लगता है, कौन सा वाला तार लगता है, ऐसे ऐसे चीज़ें मैंने सीख रखी है। और काफ़ी जो अनियन का तार है वो ऐसा वो सब कुछ सीख रखा है मैंने। और बोलूँगी आप कहाँ से सीख रखा है, किधर से सीख रखा। अब मैं तो जब हमारी ये लाइन ख़राब होती थी ऊपर सब जगह वाली, और वहीं तो हम मैकेनिक बिजली वाले बुला लेते थे हम, और तभी मैं उनके साथ रहता था। लेकिन देखा कैसे कैसे वो ठीक कर रहे हैं, कैसे कैसे ये कर रहे हैं, वैसे वैसे मैंने सीखा, ऐसे ऐसे करके ये वाला होल्डर यहाँ पे लगाना है, ये वाला यहाँ पे ही ऐसे ऐसे प्लग ऐसे लगाना है, ऐसे करके होल्डर लगाना, ऐसे ऐसे करके मैंने ये सब कुछ दिमाग में नोट किया और तभी मैंने ये किया।